सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का वेलकम करते हैं गाइस एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। सो गाइस यार, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना कैरियर मोड, यानी कि माय कैरियर मोड आज अपन प्ले करने वाले हैं क्रिकेट 22 के अंदर। सो चलिए बिना कोई देरी के यहाँ पे सब कुछ अपन स्टार्ट करते हैं और डिफिकल्टी रखते हैं अपन हार्ड और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला गाइस माय कैरियर मोड के अंदर। तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट है और हम आ चुके हैं बाग के मतलब बगीचे में, मतलब आम के बगीचे में। और यहाँ पे हमारे कोच जिससे वार्तालाप होने वाला है कि भाई कोच किधर रह गया। वैसे कोच का कॉल मेरे पास आ चुका है और यहाँ कुछ समझाया जा रहा है मुझे। तो अपन इसमें टाइम तो बिल्कुल लगाने वाले नहीं है, सीधा ही अपन नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और यहाँ पे अपना नेम वगैरह डाल देते हैं। सो मेरा अपना फर्स्ट नेम है वैसे सोनू, तो आगे सर नेम ही डाल देते सोनू सोनू। अब सोनू सोनू क्यों डालो भाई, वो तो आगे जाके पता चलेगा आपको, क्योंकि यार जब मैच स्टार्ट होंगे ना तो वहाँ पे एस किंग दिखाएगा, इसलिए मैंने सोनू सोनू कर दिया है ताकि सोनू वहाँ दिखाए, ठीक है, जब मैच स्टार्ट हो तब। सो अपन इसको कर देते हैं और सीधा चलते हैं आगे की तरफ। और कोच वगैरह क्या बातें कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे क्या रोल मिलना है मेरे को। सो यहाँ पे बनूंगा ऑलराउंडर और भाई मैं तो, मुझे तो ओपनिंग करना अच्छा लगता है तो भाई मैं तो ओपनिंग ही करने वाले हैं। और बनेंगे अपन फिंगर स्पिनर बॉलिंग के अंदर, तो ओपनिंग तो भाई अपन बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं और हम बने गाइस ऑलराउंडर, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो गाइस यार, अब मुझे यहाँ पे रोल दिया गया, यानी कि मुझे आप सेलेक्ट करना पड़ेगा सिटी वगैरह। तो अपन इसको फटाफट से नेक्स्ट करते हैं और सिटी वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे अगर राजस्थान रहेगा तो यार अपन राजस्थान के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि यार मैं भी राजस्थान का हूँ तो भाई मैं पूरा देख लूँगा। वैसे आंध्र प्रदेश वगैरह, दिल्ली वगैरह, उत्तराखंड वगैरह दे रखा हैदराबाद भी है, झारखंड भी है, कर्नाटका भी है, केरल भी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई। भाई मेरे को तो राजस्थान चाहिए और लो भाई राजस्थान अपने को मिल चुका है। सो राजस्थान के साथ जाएंगे और अब बोला भाई गुड मूव है। अब राजस्थान के अंदर भाई जोधपुर के अंदर मैं रहता हूँ तो भाई मैं तो जोधपुर ही लेने वाला हूँ। गाइस यार यहाँ पे बहुत सारे क्लब वगैरह के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे अपन जयपुर देख लेते हैं, सॉरी जोधपुर अपन देख लेते हैं। क्लब वगैरह तो यहाँ बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे आपको। सो अपना क्लब अपन ढूंढ लेते हैं। तो जी अपना गाइस क्लब मिल चुका है जोधपुर का। सो अपन इसको सेलेक्ट करते हैं और कौन से बातचीत होने के बाद अब इस आम के बगीचे से हम जाएंगे बाहर और प्लेयर वगैरह क्रिएट करने वाले हैं। सो फटाफट से यार, एक तो मैं आसमान में आ चुका हूँ। अरे आसमान में किधर से ला दिया भाई, किधर गया हमारा ड्रेसिंग रूम। अच्छा ये आ गया ना, ड्रेसिंग रूम अब आ चुका है। तो चले गाइस अपन इसको फटाफट से कर लेते हैं, नाम वगैरह, हाइट वगैरह सब कुछ दे देते हैं, बैटिंग स्टाइल वगैरह, उसके बाद आप सभी के साथ मिलते हैं। सो गाइस यार यहाँ पे मैंने सब कुछ क्रिएट कर दिए और क्रिएट होने के बाद मैं सीधा आ गया कोच के पास कि भाई कोच जी देख लो, अब मेरा पूरा आपका पूरा प्रोसेस मैंने कर दिया है, सब क्लब वगैरह मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे अपने टीम में ऐड कर लो। सो यहाँ पे टीम मेरे वीकनेस के बारे में कोच पूछ रहा है, भाई तेरा वीकनेस क्या है। मैंने कहा भाई स्पिन मेरा वीकनेस है। और यहाँ पे मुझे पूछ रहा भाई तो कैच कहाँ लेगा, मतलब फील्डिंग कहाँ करेगा। तो मैंने कहा भाई मैं स्लिप के अंदर रहने वाला हूँ और क्लोज के अंदर रहने वाला हूँ, गली के अंदर। सो इसने कहा ठीक है भाई तू रह ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई अब टीम के अंदर एंट्री हमारी हो जाएगा। और यहाँ जो कोच है मेरे को मिलाता है मेरे साथी खिलाड़ियों से और यहाँ मेरा थोपड़ा देखने को मिलता है और जर्सी के पीछे गाइस स्टार्स लाइव मेरे चैनल का नेम लिखा होगा जिसके ऊपर ये वीडियो सारे आने वाले हैं। सो यहाँ कोच ने सारे प्लेयर को मेरे बारे में बता दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से, गुंडा राज का हूँ, मतलब गुंडागर्दी करते हैं अपन। तो यहाँ पे कोच समझा दिया कि भाई तमीज से रहना। अबे यार कोरोना है यार, हाथ मत मिला भाई, कोविड का टाइम चला, हाथ मत मिला। अबे कंधे पे हाथ मत रख, कपड़े गंदे हो जाएंगे, सर्फ एक्सेल भी मेरे पास नहीं है। सो यार चलो यहाँ पे मैच खेलने को बोल रहा है तो मजाक बहुत हो चुके, चले मैच की तरफ चलते हैं। और यहाँ अपन सिंगल ही खेलने वाले हैं, वैसे दो ऑप्शन थे, बताओ टीम आप पूरी पूरी खेल सकते हो या फिर आप सिंगल अपना कैरियर भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अपन सिंगल ही खेलने वाले हैं और यहाँ पे हम कुछ भी चेंज वगैरह कर नहीं सकते हैं। तो चलिए मैच के अंदर एंट्री मारते हैं बिना कोई टिकट दिए और देखना पड़ेगा वैसे यहाँ पे हमारे कप्तान जी क्या करने वाले हैं, क्योंकि यार हम तो बतौर प्लेयर खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और डोमेस्टिक लेवल का ये मैच होने जा रहा है। तो यहाँ पे बमपुर ने टॉस के लिए कॉल करा और वो लोग टॉस विन भी कर गए और पिच नंबर 1 है, मतलब डे 1 है पिच का।
और यहाँ पे टॉस विन करके पहले बैटिंग में ले ली इन लोगों ने। अरे बैटिंग मेरे को चाहिए होता है पहले यार, तुम लोग बैटिंग कैसे ले लेते हो। तो चलो भाई मेरे को बॉलिंग यहाँ पे दे दिया गया, मेरा थोपरा भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। अब देखो भाई मेरा नाम एस सोनू दिखा रहा है क्योंकि भाई मैंने जानबूझ के यहाँ पे सोनू सोनू लिखा था ताकि ये यहाँ पे दिखाए सोनू पूरे शब्दों में। सो फिलहाल यहाँ पे पहली गेंद अपने कैरियर की, और पहली गेंद पे देखो अगर अपील नहीं करा तो क्या करा, तो पहली गेंद पे अपील करना बनता है। हालांकि गाइस मुझे पता है कि ये अंपायर कभी भी मुझे कोई विकेट आउट के रूप में देने वाला नहीं, वो भी अपील के जरिए। सो यहाँ पे खा लेंगे भाई अपने कैरियर का शायद पहला चार, बिल्कुल पहला चार खा लेंगे। और कप्तान ने बॉलिंग भी, अबे पहला चार है अच्छे कैसे मारा भाई, मेरे को लगा चार है, ये फ्लैट शॉट था भाई, ये फ्लैट शॉट था और हमारे कैरियर का पहले से बर्बादी स्टार्ट हो चुका है। और लगता नहीं है कि अगर ऐसे हम गेंदबाजी करेंगे तो नेक्स्ट मैच के अंदर कप्तान हमें खेलने को मौका भी देगा। अरे मत मार भाई, मेरे को नेक्स्ट मैच के अंदर भी खेलना है। लेकिन इसी बीच एक और चार लो बैती गंगा में, कहा भाई छः के बाद चार आ जाए तो स्वाद आ जाएगा जिंदगी के अंदर। और लो भाई अंपायर भी बहुत खुशी खुशी कहता रहे, ऐसे यहाँ से चौका किसारा कर रहा है। और 50 रन की पार्टनरशिप भी भाई, सारे कुछ मेरे ओवर के अंदर होना होता है क्या, ओवर की आखिर गेंद है। अब यहाँ मारो, यहाँ क्यों नहीं मारा भाई, बढ़िया फील्डिंग था वहाँ पर, मेरा रन बचा लिए भाई, बहुत मारा पहले ओवर के अंदर। क्या शकल दिख रहा है मेरा, वाह भाई क्या बात है। सो पहला ओवर बहुत खराब रहा मेरे लिए, और अब देखो मेरा दूसरा ओवर, अब तो भाई इस ओवर के अंदर मैं विकेट निकाल के रहूँगा, देखना कैसे विकेट आते हैं। पहले गेंदबाज स्वीप शॉट मार है, अब मार के देखा, नहीं मार पाएगा भाई, हमें पता है अब ये नहीं मार पाएगा, अब इसमें दम बम बिल्कुल नहीं है। अब दिखाएंगे अपनी गेंद का जादू, पहली गेंद वैसे ठीक थी। और रिएक्शन किसका है मेरे को कमेंट करके बताओ गाइस, ये बॉलिंग रिएक्शन किसका है मेरे को बताओ कमेंट करके। पहली दो गेंदे इस ओवर के अंदर दिया मैंने इन लोग को अंडा, मतलब कोई रन दिए नहीं है, दो गेंदे बहुत बढ़िया रही है। ओवर के चौथे गेंद और वाह भाई क्या फील्डिंग, जियो मेरे शेर क्या बात है, इसी तरह के फील्डिंग करते रहो, नेक्स्ट मैच के अंदर तुम्हें गोलगप्पे फ्री में खिलवाने वाले अपन, क्या फील्डिंग और क्या शॉट मारे इसने। लेकिन चलो भाई सर तुरवा लिया, लेकिन गेंद को पकड़ लिया, ये बहुत बड़ी बात है। इस ओवर की आखिरी गेंद भाई तड़पाया इस ओवर के अंदर रन के लिए, लेकिन लगता नहीं इस बार रोक पाएंगे गेंद को, इस बार आखिरी गेंद थी भाई, क्यों यार एक और डॉट गेंद खेल लेता, तेरा क्या जाता घर से, मेरे को यार एक और चौका खिलवा दिया इस ओवर की आखिरी गेंद पे। अब शायद देखते भाई अब आखिरी ओवर है तो हमें मौका मिलेगा नहीं, अबे दे दिया मौका भाई कप्तान ने, चलिए इस मैच का आखिरी ओवर हम ही करने वाले हैं। कप्तान समझते हैं भाई मैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी हूँ, इसलिए मुझे गेंदबाजी दे रहा तक मैं चौके छक्के ना खाऊं, लेकिन कोई बात नहीं यार हम पहले गेंद में चौके खा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार आखिरी ओवर के अंदर होता है कि हम पहले गेंद पर चार खा लेते हैं लेकिन इसके बाद वापसी भी हो जाती है भाई विकेट के, अभी देखो हम कैसे विकेट। अबे कप्तान काय करो रहा है भाई, मैं विकेट निकाल के दूंगा तेरे को, तो इतना चिंता मत कर, मेरे पास 5 गेंद है, अभी देखो मैं विकेट निकालूंगा। अबे अपील कर अपील कर अपील कर, ये आउट लग रहा है मेरे को, नहीं भाई ये निब्बा अंपायर कभी भी आउट नहीं देने वाला, हम क्या करें, अब जॉब छोड़ दिया अपना, 4 गेंदे बाकी, कम ऑन स्टार जी, तू ये काम कर सकता है, तू ये विकेट निकाल सकता है। और चलो भाई डॉट गेंद आएगा, सिंगल लेगा, कोई बात है सिंगल ले ले चलेगा। अब चौका काय को भाई, क्या झंडोगरी फील्डिंग चल रही इधर, आखिरी गेंद बाकी भाई, अब तो विकेट निकाल ले, कोई नहीं आखिरी गेंद विकेट नहीं, कम सिंगल देना भाई, डबल मत देना, सिंगल ही देना। चलो भाई महंगा ओवर था, मतलब 9 रन आए, वो उतना भी महंगा नहीं था, 10 रन आए सॉरी, तो आखिरी ओवर उतना भी महंगा ओवर नहीं था। अब आएगा भाई बैटिंग के अंदर मौका, पहले मैच के अंदर 100 मार के जाएंगे, दिखाएंगे भाई स्टार्जी को पावर। ये झोटे लाल कौन आए भाई मेरे साथ, नाथ जी हैं झोटे लाल, और देखते हैं अभी राम भाई गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद अपने कैरियर का खेलने को बेताबी, और पहली गेंद गुड, अरे भाई भाई पहली गेंद ही बहुत बढ़िया गेंद थी भाई, एकदम स्लोवर गेंद डाल दी इसने, मुझे लगा भाई कम से कम तेज गति की बॉल डालेगा, बॉल बल्ले पे बहुत बढ़िया आएगी, लेकिन भाई इसे तो बिल्कुल मक्खी चूस निकला। चलिए आखिरकार बॉल बल्ले पे लगी और क्या ही स्वाद आया भाई शॉट खेलने के अंदर, पहली दो गेंदे बहुत बढ़िया खेली मैंने, अब भाई बड़े शॉट मारने, अब देखो बड़े शॉट मारने, 7 गेंदे मैंने खेली, खाता नहीं खोले, मेरे को खाता खोलना है, अब तो कुछ भी हो जाए खाता खोल ले, बिल्कुल भाग जा भाई भाग जा। ओ भाई 8 गेंद खेलने के बाद पहला रन दिया इन लोगों ने, क्या गेंदबाजी कर रहा भाई, क्या बॉलिंग चल रहा है ये, चले कोई नहीं मारेंगे भाई, अबे स्पिनर को दे दिया मेरे सामने, अब देखो कितना स्विप शॉट मारेंगे इसको, स्पिनर को दे दिया मेरे सामने बॉलिंग, तो भाई इतना स्विप शॉट मारेंगे, इतना स्विप शॉट मारेंगे कि बिग एंड स्टूडियो वालों ने समझा नहीं होगा, बिग एंड स्टूडियो वालों ने समझा नहीं होगा भाई, मतलब जो भी है भाई समझे नहीं होंगे। अभी कितना भागेगा, 4 रन दे दे, अबे भाग, अबे रोक लेगा भाई, 3 रन तो आ जा, नहीं भाई चलो कोई नहीं, बढ़िया शॉट था वैसे यार, टाइमिंग थोड़ा सा और कर लेते ना तो शायद रन मिल जाते। 9 गेंदे 4, मत दिखा यार ये रिकॉर्ड, अभी हम रिकॉर्ड बढ़ाएंगे तो दिखा देना, अभी मत दिखा, स्टार्टिंग में मत दिखा, हमारा कैरियर स्टार्ट होने से पहले पहले बर्बाद कर रहा है। और ये आ गया शॉट में स्वाद,
अब आएगा ना भाई मजा। सेट होने के बाद जो खेलने का स्वाद आता है ना, वो यहाँ पे शायद आने वाला है बल्ले के बीचों बीच। और इस बार तो टाइमिंग भी भाई बहुत आला करी है, चौका मिलेगा। और फिर से मैंने सोचा भाई चलो एक और ट्राई कर लेते सामने की तरफ चौका मारने का, लेकिन इसने कहा ना बेटे जी इस बार तो नहीं मिलेगा चौका दिया। वैसे सिंगल ही भाई बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे, मानना पड़ेगा भाई शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल 14 गेंदें 9 रन है और ये कमाल का शॉट, लेकिन फील्डर तैनात है, मिलेगा सिंगल। शॉट में कोई कमी नहीं, बस गैप पर ढूंढ लेते तो रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है मेरे लिए। 16 गेंदें 15 के स्कोर पे रिस्क लेना चाहेंगे और सामने की तरफ एक, अबे क्या मेरा फील्डर, मेरा साथ ही खिलाड़ी रन को रोक रहा भाई, क्या कर रहे हो तुम भी। सिंगल ही मिलेगा यार, उसकी बॉडी पे गेंद लगी इसी वजह से चौका नहीं मिला, नहीं तो वहां तो चौका ही था मेरे लिए। कोई बात नहीं, हम इस बार फिर से ट्राई करेंगे। ओवर की 5वीं गेंद फिर से झाड़ू शॉट है, हमारा फेवरेट शॉट, और 2 रन या 3 रन आ जा भाई, कम से कम 2 तो मिल जाएंगे। वैसे यार ये शॉट में बहुत बढ़िया खेल लेता हूँ, और ये शॉट खेलना मैंने सीखा सिद्धार्थ भाई की वजह से, नहीं तो भाई ये शॉट मैं कभी खेल नहीं पाता। सो फिलहाल देखते भाई फील्डिंग के अंदर तो ये चेंज कर तो रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा। 8 ओवर के बाद 68 पे 2 भाई हमारा स्कोर, फुल टॉस गेंद डालेगा मेरे को सेट होने के बाद, तो भाई देख लेते रिजल्ट यही होने वाला है। अगर तू फुल टॉस गेंद करने वाला है तो भाई तू अपने गेंदबाजी अपने पास रख ले, नहीं तो फिर मैं तो तेरा अच्छे तैसी कर देने वाला हूँ। आप ऊपर क्या देख रहा है मेरे सामने, देख सामने कौन है तेरे सामने, स्टारजी खेल रहे तेरे सामने, समझ रहा है। ओवर की फिलहाल दूसरी गेंद ना, पहले गेंद पर 4 खाने के बाद, और ये भी वही गेंद कर रहा है, लेकिन मैंने कहा भाई देखो अब सेट हो चुका हूँ मैं, जब सेट हो जाऊंगा ना तो रिस्की शॉट तो मैं लेने वाला हूँ, चाहे गेंदबाजी में कोई भी लेके आ जाए। और ये देखो भाई हमारा डोले शोले, ये देखो फिलहाल बढ़िया पारी चल रही है। और सेट होने के बाद थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रगल करे, रन्स बहुत कम आए स्टार्टिंग में, लेकिन अब देखो सेट हो चुके हैं ना, तो अभी इनकी मौज कर देने वाले हैं। फिलहाल ओवर की आखिर गेंद, बाउंसर गेंद है और बहुत बढ़िया पुल करा तो है, लेकिन मिलेगा सिंगल यार, फील्डर वहां पे लगा रखा है इसी वजह से। तो फिलहाल 9 ओवर के बाद स्कोर 77-2, और फिर से दे दिया भाई इन लोगों ने लाल जी को स्पिन गेंदबाजी के अंदर। मैंने कहा ना इस बार तो भाई वापस मारेंगे स्वीप शॉट, और इस बार यार फाइनली इस गेंद पे मेरे को 4 मिल चुका है। मैंने इससे पहले भी बहुत ट्राई किया भाई शॉट के ऊपर रन्स मिल जाए, लेकिन देखो इस बार 4 लगी तो खुशी के मारे डांस करने लगे हमारे फील्डर, इसे कहते हैं रियल वाला खुशी। बहुत बढ़िया शॉट था भाई, स्वीप शॉट मिला 4 रन जीतने के लिए, वैसे 60 गेंद के अंदर 80 रन, और ये बाउंसर गेंद करेगा, ये ले मेरी ओर से बाउंसर गेंद, अबे आउट होते होते बच गया भाई, तू क्या कर रहा है, आउट होते होते बच गया इस गेंद के ऊपर। ओवर की 3rd गेंद है, यहाँ पे 4 विकेट है 109 के स्कोर पे, और 40 गेंद 56 रन जीतने के लिए। एक और बार बाउंसर गेंद, मैं नहीं छोड़ने वाला तेरी बाउंसर गेंद को, मैं हालांकि आउट होते होते बचूंगा, और बच गया भाई आउट होते होते, और मिल गया मेरे को 6 रन मुफ्त के, वो भी अलग भाई। ये बाउंसर गेंद बहुत अजीबोगरीब कर रहा है, एक बार भी मेरा टाइमिंग सही ढंग से हो नहीं पाया। हालांकि अलग बात है कि मेरे को यहाँ पे लकली 6 मिल जाएगा, और थोड़ा सा फील्डिंग खराब कहना पड़ेगा, कैच लेने के साथ ही घुस गया बाउंड्री लाइन के अंदर ही। फिलहाल ओवर की 5वीं गेंद है, यहां से छिखाने के बाद डॉट, और ये भी बहुत बढ़िया शॉट है, गैप के अंदर रोक पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि शॉट बहुत कड़क लगाता है इसलिए, और मुफ्त में 9 बॉल भी दे दिया 47 के स्कोर पे 40 गेंदें खेल के। एक और बाउंसर, बहुत बढ़िया कदमों का इस्तेमाल, ये धोनी वाला शॉट है भाई, जो 2019 के अंदर धोनी ने अपना लास्ट छक्का मारा था ओडीआई के अंदर, ये वाला वो शॉट था। और यहाँ इस 6 के साथ मेरा पहले मैच के अंदर 50 हुआ गाइस 2 छक्कों के सहारे, और ये भी देखा जाए तो भाई कैच था, मैं तो भाई 47 के स्कोर पे हो चुका था आउट, लेकिन खराब फील्डिंग कहनी पड़ेगी। 137 पे 4 विकेट है, और यहाँ पे फुल टॉस गेंद और रॉकेट शॉट जाएगी। अब यार फील्डर लगा रखा भाई शॉट तो बिल्कुल रॉकेट शॉट था, रुक पाना बहुत मुश्किल था। और अगर मेरे को मैन ऑफ द मैच पहले मुकाबले के अंदर लेना है तो कम से कम 20-25 रन मुझे और करना पड़ेगा मैन ऑफ द मैच लेने के लिए, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि मेरे सामने जो साथी खिलाड़ी है वो बहुत गंदा मार रहे हैं, मंडल भाई बहुत गंदा मार रहे हैं, लेकिन मुझे भी तेज खेलना पड़ेगा अगर 80 के स्कोर या 75 के स्कोर तक है, और मैन ऑफ द मैच के लिए अपने चांस को क्रिएट करने हैं। तो इसी बीच बहुत बढ़िया पार्टनरशिप 50 कर लेंगे भाई, ये मंडल भाई तो मैच को बहुत जल्द खत्म कर देगा, मेरे पास गेंद भी काफी कम मिल रही है। एक और बार वही गेंद है, कदमों का इस्तेमाल, मैंने एडवांस शॉट खेलने का ट्राई करा लेकिन शॉट गैप में नहीं, और यार यहाँ सिंगल नहीं चाहिए था, अब ये मैच लग रहा है मेरे को यही खत्म कर देगा। बिल्कुल भाई लो मैच यही खत्म कर दिया हमारे मंडल भाई जी ने, और बहुत बढ़िया मैच हुआ गाइस हमारे करियर का पहला मैच। वैसे यार आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो
वीडियो तो लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि हम लोग हर संडे को लेके आने वाले हैं करियर मोड का एपिसोड। आज एपिसोड 1 आने वाले हैं, तो आप लोग यार हर बार देख लेना संडे का संडे। एंड लाइव स्ट्रीम का टाइम है गाइस 7:30 बजे संडे के अलावा, हर दिन लाइव स्ट्रीम करने के मैं पूरा ट्राई करने वाला हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, कमेंट कर दे अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो और मज़ा आया हो, थोड़ा सी मज़ा आया तो गाइस कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो यार ये दो काम कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ यार एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।